गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड लेकर आ गई हूँ खान सर का एक और वीडियो, और टाइटल तो आप लोगों ने रीड कर लिया है। एंड बाप रे, क्या ही बोलूं मैं, मतलब खान सर की फर्स्ट टाइम मैं जो ना रोस्ट देखने जा रही हूँ, किस तरीके से रोस्ट करेंगे। ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मैं हमेशा बोलती हूँ, तोते की तरह जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मुझे कॉमेंट करके बताना है और किसकी वीडियोज पे रिएक्शन चाहिए है, या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आमने सामने आओ, हाथ में धूल लगा के ससुरा जवान ना घींच दिए तब आदमी कहेगा अब कराची बताते हैं तुमको यहाँ पर। हम कहे कराची जब आएंगे ना तो कराची तुम्हारा नहीं रहेगा। पाकिस्तान कहेगा भारत में मिलने के लिए, नहीं मिलाना चाहिए, पूरा मुंह आके मिलाओ बाकी सबको, सब आतंकवादिया चल जाएगा सर यहाँ पे। अब भारत के पासपोर्ट लेके बम फोड़ेगा सब कहीं जाके, इन छोटा सबको नहीं रहना चाहिए यहाँ पर, समझ आ गया कि नहीं? एक एक यूट्यूब से, यूट्यूब कम्युनिटी में आपस में बातचीत नहीं होता है, तो एक बार यूट्यूब प्रोग्राम किया था कि आप लोग बात कर सकते हैं सब। एक वो पाकिस्तान वाला चार पांच को था, सब मीटिंग हुआ हमारा, तो सामने नहीं सात दस जो मीटिंग होता है वहाँ पे, तो बड़ा वहाँ के बड़ा फेमस फेमस लोग थे, और हम इधर हमारी मीटिंग चल रही थी इधर इंडिया के चार दस को फेमस फेमस। तो उसी में पूछा कि सर आप पाकिस्तान से इतने चिढ़ते क्यों हैं, पाकिस्तान की इतनी बुराई क्यों करते हैं? तो हम कहे कि आप गलत बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान की बुराई नहीं करते, हम पाकिस्तान से नफरत करते हैं। उसको लगा कि हम अच्छा बोलेंगे कि नहीं बुराई नहीं करते हैं, आपको बुरा लग गया तो सॉरी, अरे क्या बात है, ससुर बिहारी है हम लोग, दोस्ती भी सामने से दुश्मनी भी सामने से, आज नहीं तो पार, जय ससुर। हम बुराई नहीं करते हैं, क्या करते हैं, नफरत करते हैं सर। और जिसके दो रीजन, एक हमारे देश पर एक बट्टा ठोक दिया ससुरा ने बेइज्जती का, कितने कम टुकड़े हुए हमारे देश में, चैन से रोने सोने नहीं दिया हम लोग को, अब पूरे कश्मीर को बर्बाद करके रखा। आज कश्मीर के लोग कुछ भी नहीं करते ना, टूरिस्ट से इतना खुशहाल जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनका ब्रेन वॉश करके उन बेचारों का जीना हराम कर दिया, हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता। इसके अलावा मुस्लिम कम्युनिटी को इसने ससुरों ने पूरे बदनाम कर दिया, एक पूरी कौम को बदनाम कर दिया ससुरा ने, इसलिए नफरत करते हैं उससे। पूछा सब तो हम समझा दिए कि हम इसीलिए नफरत करते हैं, आपके बम गोला बारूद से हम नहीं डरे हैं, 71 में आए थे ना, दो टुकड़ा करके भेज दिए, दोबारा आइएगा, नक्शे से गायब हो जाइएगा। तकलीफ कब होता है कि जब मासूम लोग, कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई नौकरी वाला इंसान है बहुत दिन बाद अपने घर जा रहा है, किसी की नई नई शादी हुई है, तुम उसमें बम रख के भड़का के चल जाते हो, ये चीजों से नफरत है। आओ ना लड़ने तुम थोड़ा बॉर्डर पे, यहां पर आमने सामने आओ, हाथ में धूल लगा के ससुरा जवान ना घींच दिए तब आदमी कहेगा बात करता है यार, हम क्या करता है, हमसे कभी वो लोग प्रेम की उम्मीद ना रखे यहाँ पे, और उससे हमारे ऊपर वो सब ना काफी ज्यादा वो कंप्लेन करते रहता है यूट्यूब को, तो वो कहता है कि बहुत समझाता है हमको ये सब नहीं करना चाहिए, एक बार और कंप्लेन किया तो ओकरे समझा दिए कि नहीं सुन रहा है वो ओके बात नहीं करता है, कहता नहीं सुन रहा है वो, ना सुनेगा आदमी यहाँ पर कभी नहीं, अकर कभी नहीं खत्म हो सकता, और क्या दिक्कत है भाई तुम लोग सब, हम लोग कहीं ना कहीं रीजन है कि नहीं, आया सब ससुरा ताज होटल में फोड़ के चल गया सब, पुलवामा में मार के रख दिया सब, पूरा कश्मीर को रद्द करके रख दिया सब, आज कश्मीर में घूमने कोई जाता है जल्दी, स्वर्ग कहा जाता है पृथ्वी का, चोटों ने नरक बना दिया है वहां पर, यहाँ बीफ अलाउ नहीं है, मानव का अलाउ कर देना चाहिए, पाकिस्तानियन को भूज के यही खिया दो ससुर को, पाकिस्तानी मान से यहाँ पर उन चोटों को कभी नहीं रहना चाहिए। कहता है सर आप इतना नफरत करते हैं हम लोग से, हमें उम्मीद नहीं थी, हम कहते कोई बात नहीं, बहुत सारे भ्रम टूट जाते हैं, उम्मीद कर लीजिए अब, और जीने की आदत डाल लीजिए यहाँ पर। कहता हम लोग भी कम नहीं है, हम कहते बिल्कुल आपकी फौज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आपकी GDP अच्छी है, सब सही है आपका, लेकिन भारत से अच्छा नहीं है एकदम कई लोगों को ऐसे घुस जा रहा था कि टीविया में घुस के मार देगा से यहाँ पर,
कहते आओ कराची बताते हैं तुमको यहाँ पर। हम कहे कराची जब आएंगे ना तो कराची तुम्हारा नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? अरे जिस दिन हम लोग कराची रहेंगे उस दिन कराची हम लोग का हो जाएगा। तुम कोई और शहर का नाम बोलो। बहुत घुसियाता है सब, कहीं भी पहुंचेंगे लोग हम ही लोग का हो जाता है। यहाँ पे घुसियाता बहुत है सब, लड़ सब घुसिया के सब जाते नहीं हम लोग का यहाँ। उसके बाद फिर मैसेज आता है ना कि मीटिंग मिलना चाहते हैं कि नहीं, तो दोबारा हम सोचे तो काफी देर से मीटिंग चल रही थी, कई लोगों की जूम पे होता है ना उसमें कुछ उबी थे सब। और जैसे हम आए धीरे धीरे गायब होना चालू कर दिया। आ गया खब्बीस बोलता है, आ गया ये खब्बीस, सब चल गया समय। हम कहे सन्नाटा क्यों हो गया यहाँ पर? तो ये डर होना चाहिए, बाप का डर होना चाहिए बच्चों। तो चलिए अब आगे देखते हम लोग। पर्यटक के लिए सबसे फेमस मालदीव। सोचिए ब्रिटेन की महारानी घूमने आई थी एलिजाबेथ नई की राजकुमारी, या बिलार नाम है उसका, कैट, हाँ कैट, वही बिलार या कैट, महारानी का नाम है कैट, और का दुल्हा का नाम है विलियम, बिलार का नाम बिलाई के, तो उसका नाम दुल्हा दुल्हन का नाम है कैट्स एंड विलियम, विलियम एंड बिलार, बिलाई बिलार। तो वो सब यहाँ आए थे घूमने, इसका मतलब कुछ तो है टूरिस्ट प्लेस। इतना सुंदर मनोहर टूरिस्ट प्लेस बनाया है किसको, मालदीव। भारत का हीरो हीरोइन घूमने जाता है, अब भारत सरकार का होश खुला है भाई, हमरो पास हो रही तो लक्षद्वीप है इसको भी बनाना चाहिए, मारा सारा आप चालो चालू कर दिया। तो दिक्कत ना हो जाएगा? अरे कम से कम जो सेवा कर रहा है उसको तो होश में रहने दो, जो घूमने गया उसको पियाओ, नहीं समझ बाल्टी से पिलाओ। मालदीप में इतना बेहतरीन जगह है, वहां पे समुद्र के किनारे छोटी छोटी सार्क मछली चली जाती, लोग पकड़ लेते हैं, सार्क आ गया, डॉल्फिन आई, छोटी छोटी यहाँ पे, और पानी इतना साफ रहता है कि नीचे का तल दिखता है। मालदीप बहुत बेहतरीन जगह है घूमने के लिए, बहुत ही बेहतरीन जगह है। नौकरी उकरी हो जाएगा विद फैमिली जाइएगा लोग वहां पर। अब पूरा एक तो बड़ा सा विला बुक कर लीजिएगा, विला, विला क्या होता है, नेचुरल घर होता है जिसमें दो मंजिला बनाना अलाउ नहीं रहता है, एक मंजिला रहेगा ऐसे वहां पर, और उसी में पूरा एकदम प्राकृतिक चीजें रहेंगी वहां पर, टेंशन फ्री रहिएगा, यहाँ पर मेंटेलिटी फ्री होता है, ज्यादा घूमने फिरने से क्या हो जाता है, मेंटल फ्री हो जाता है। मालदीव पे कब्जा क्यों नहीं कर लेते हम लोग? देखो ये कह रहा है कि सर आप लोग एक्सप्रेशन देखो सर के, देखना भी मेंटेलिटी फ्री होता है, ज्यादा घूमने फिरने से क्या हो जाता है, मेंटल फ्री हो जाता है। मालदीव पे कब्जा क्यों नहीं कर लेते हम लोग? अरे रब्बा मेरे सर आप ऑसम है, ऑसम। देखो ये कह रहा है कि सर इसको इस सुंदर बनाने से अच्छा इसको कब्जा क्यों नहीं कर लेते हैं? यूक्रेन पे कब्जा कर रहा बचा वो नहीं। 1945 में जब यूएनओ का स्थापना हुआ था तो उसमें स्पष्ट है कि कोई देश दूसरे देश पे कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन बीटो वाले थोड़ा नौटंकी कर देते हैं, हमारे पास बीटो नहीं है। दूसरा अगर आप एक देश पे कब्जा कर लेंगे तो क्षणिक फायदा होगा, लेकिन बाकी देश से आपकी थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगा, समझा कि नहीं? तो हमेशा पास का फायदा नहीं दूर का घाटा सोचना चाहिए। थोड़ा सा जगह कब्जा करेंगे हो जाएगा बवाल, समझा कि नहीं? काहे लिए मिलेगा कोई देश आप में? देखिए मातृता बहुत बड़ी चीज होती है, हम लोग को अगर रूस कहेगा हमें मिल जाओ हर हाल में फायदा है, लेकिन मिलेंगे लोग? अपनी मातृभूमि कभी होती है, समझा या नहीं? ओके मतलब मेरे ना अभी तक आंखों के सामने से जा नहीं रहे सर के एक्सप्रेशंस जैसे थे। एंड रही मालदीव्स की बात तो यूट्यूब पे मैंने देखा था कि वो भी बहुत जल्दी समंदर में समाने वाला है,
बहुत हाइट हो गई है अभी समंदर की, पानी बहुत ज्यादा आ रहा है वहां पे, ठीक है। एंड यस, मेरी ऐसे एक्चुअली लाइफ में एक बार ड्रीम है कि मैं मालदीव्स जाऊँ। अभी देखो कब होता है कब नहीं होता पूरा, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर, चाहे ऐसे काठी लेकर क्यों ना जाऊं, तब तक रहेगा फिर रहेगा पता नहीं, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर, ठीक है। और फिर अगर नहीं रहा तो ओ गॉड मैं कितना आगे पहुंच गई, छोड़ो। तो रही वीडियो की बात, तो वीडियो हमेशा की तरह बहुत अच्छा था, और बीच बीच में जो वर्ड्स है ना वो छोटा छोटा जो ऐसे बैठा हुआ है मुंह पर, उनके उनके मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है खान सर के, ये वाली बहुत बेस्ट वाली चीज़ है। अगर वो चीज़ हम लोग बोले ना छोटा तो वो नहीं आता है, वो टोन भी नहीं आता है, वो फन भी नहीं आता है, लेकिन खान सर के मुंह से सुनने में बहुत मजा आता है, ठीक है। एंड यस, और जिस तरीके से रोस्ट किया है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, चलो ठीक है हम कुछ नहीं बोल सकते, राइट। सो वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, खान सर के फैंस के साथ में, खान सर के स्टूडेंट्स के साथ में। यहां तक देख लिया है तो आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को पता नहीं क्यों अनसुना कर देते हो, मत किया करो प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू गाइज, टाटा बाय बाय।